एक बड़ी पुरानी कहावत है, अंधी पीसे पीसना कुकुर घुस घुस खात, जैसे मूर्ख जनों का धन अहमक ले जात। चाहे घर की व्यवस्था हो, व्यापार हो, यदि आप आंखें बंद किए रहेंगे तो चाटुकार लोग, धोखेबाज लोग, नौकर चाकर सब खा जाएंगे। चीनी संपत्तियों को लूट लिया यूक्रेन ने, बहुत बड़ा झोल हो गया है। वैसे आपको बता दें, चीनी संपत्ति को लूटने में एक समय था जब अमेरिका और रूस दोनों ने ही यूक्रेन का साथ दे दिया था, लेकिन अब जाके बम फोड़ दिया है चाइना ने। जहां ये मामला चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जापान और भारत ने मांग लिया है अपना हिस्सा रूस से। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक ऐसा मौका आया था जिस मौके में चीन ने बहुत बड़ी बाजी मार ली थी, और उस बाजी को मारता देखकर अमेरिका तो घबरा ही गया। अमेरिका ने तुरंत यूक्रेन को फोन लगाया, जेलेंस्की ये तुमने क्या कर दिया है, तुम्हारे ही घर में इतनी बड़ी चीज हो गई है। और अभी अमेरिका ने फोन रखा भी नहीं होगा कि रूस ने फोन मिलाया, जेलेंस्की ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ऐसा मत करना। अमेरिका और रूस जो ऐसे हैं जिन्हें पूरब और पश्चिम कहा जाता है, लेकिन इस मामले के लिए दोनों ही एक दूसरे के साथ आ गए और यूक्रेन के खिलाफ खड़े हो गए। इन्होंने कहा, तुम तो ऐसा करके बहुत बड़ी समस्या ला दोगे, तुम तो हम दोनों को ही बर्बाद कर दोगे, अमेरिका को भी और रूस को भी। जेलेंस्की को मामला समझ में आया, जेलेंस्की ने कहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, हम आप दोनों को बर्बाद नहीं होने देंगे। जेलेंस्की ने रातों रात कानून दिया बदल के। जैसे ही कानून बदला, वैसे ही चीन बहुत जोर से छटपटाया, और चीन ने कहा, ये तुमने बहुत गलत किया है, ये अच्छा नहीं किया है, इसका तुम्हें भुगतान करना होगा, एक समय आएगा जब मैं इसका बदला लूंगा। ये मामला कब का है, ये मामला है 2017 का, और आज एक बार फिर से ये मामला उठकर सामने आ गया है। 2009 की बात करें, यूक्रेन और चाइना के बीच बहुत अच्छे रिलेशन थे, और स्थिति ऐसी थी कि रूस कई सारे इंजन, बहुत सारी चीजें महंगा बेचता था, इसलिए चाइना ने यूक्रेन के, स्थिति ऐसी थी कि रूस बहुत सारे इंजन या फिर जो मिलिट्री एसेट्स थे, हथियारों के छोटे मोटे पुर्जे थे, ये सब कुछ काफी महंगा बेचता था। महंगा बेचने की वजह से चीन ने भी और भारत ने भी ऑप्शन देखना शुरू कर दिया था। ऐसा देश जिसके पास सोवियत संघ के जमाने के हथियार हों, और ऐसा देश कोई और नहीं बल्कि यूक्रेन मिल गया था। यूक्रेन के साथ इन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया। चाइना, जो कि पहले से ही एक नंबर का धूर्त है, उसने यूक्रेन की सबसे बड़ी कंपनी पर नजर डालना शुरू किया। पहले तो उनके साथ उन्होंने व्यापार करना शुरू किया, इंजन का व्यापार करना शुरू हो गया, और ये कंपनी कोई और नहीं थी बल्कि मोटरसीच थी। मोटरसीच ने चाइना के साथ कई तरह के एग्रीमेंट साइन कर लिए। वैसे आपको बता दें, मोटरसीच रूस के साथ भी व्यापार करता था, कंपनी थी यूक्रेन की, लेकिन 2014 में जब क्रीमिया का अधिग्रहण हो गया, तब रूस से हटकर दूसरे देशों की तरफ शिफ्ट होने लगा, जिसमें मोटरसीच ने भारत के साथ, चाइना के साथ अपने बिजनेस वगैरह बढ़ाने शुरू कर दिए। पर चुपके चुपके अचानक से 2016 में एक बवाल मचा। तब बवाल इसलिए मचा क्योंकि पता चला कि मोटरसीच के एक पार्टनर ने अपना शेयर बेच दिया है, और इस पार्टनर ने काफी बड़ा शेयर बेचा है, वो भी 56%। अब जैसे ही ये चीज पता चली, वैसे ही इस पे रूस का और अमेरिका का ध्यान चला गया, कौन है आखिर जिसने इस 56% स्टेक को खरीदा है। तो आपको बता दे, पता चला स्काई राइजोन नाम की एक कंपनी ने खरीदा है। जब बहुत ज्यादा खंगाला गया तो पता चला, अरे ये कंपनी तो चाइना की कंपनी है। जैसे ही ये खबर 2016 में निकली, वैसे ही अमेरिका और रूस दोनों इस मामले में छटपट आ गए। दोनों ने कहा कि नहीं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। कथित तौर पर दोनों ने उस समय की यूक्रेन गवर्नमेंट के साथ कांटेक्ट किया और कहा कि इस फैसले को तुरंत बदलो, क्योंकि अगर 56% स्टेक मोटरसीच का चला जाता है, यानी मोटरसीच कंपनी बन जाती है चाइना की कंपनी बनने का मतलब है ये मोटरसीच जिसके पास इंजन बनाने का बहुत अच्छा अनुभव है, और इस तरह के हालात हैं कि रूस के जो
हेलीकॉप्टर्स हैं MI सीरीज के और KA सीरीज के, इसमें जो इंजन लगे हैं ये मोटर सीच कंपनी के लगे हैं। और इसका असर ऐसे देखिए कि ये कंपनी अमेरिका सहित 14 देशों को बेचती है इंजन, और जिसमें भारत भी है शामिल, तो छटपटाने की बात तो थी ही, रूस भी इसका क्लाइंट था। दोनों देशों ने यूक्रेन के ऊपर प्रेशर बनाया और हालात ऐसे हो गए 2017 में आनन फानन में यूक्रेन एक रूल लाता है और कहता है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हम इन कंपनियों को प्राइवेट नहीं होने देंगे, ये सरकार की संपत्ति है। यहाँ से चाइना बौखला जाता है और चाइना ये कहता है कि नहीं, हम जाएंगे इस पे फाइट करेंगे। मामला 2017 से चला आ रहा था, लेकिन अब एक बार फिर से ये मामला उठ गया है, क्योंकि जिस शख्स ने अपना बेचा था शेयर उस शख्स पर अब ये आरोप लग रहे हैं कि रूस के साथ उसके कुछ रिश्ते चल रहे हैं। एक बार फिर से ये जिन निकल कर बाहर आ गया है। चाइना ये कह रहा है कि हम इस मामले को और आगे ले जाएंगे, हम देखेंगे, मोटर सीच पे हमारा अधिग्रहण है, हमें मिलना चाहिए हमारा 56%। खैर, जहाँ एक तरफ ये लड़ाई चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ एक और बवाल मचा हुआ है, और ये बवाल एक ऐसा बवाल है जिसमें जापान और भारत दोनों ही मांग रहे हैं रूस से कि हमें हमारी हिस्सेदारी दो, और ये हिस्सेदारी मांगने की बहुत बड़ी वजह है। अब आप जरा सोचिए कि भारत का जो ONGC है, उस ONGC की जो 25% इनकम हो, वो इनकम अगर किसी खास चीज से आ रही है और वो बंद होगा तो जाहिर सी बात है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। एक बड़ा अमाउंट जहां से पैसे आ रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि बंद हो। अब हुआ क्या हुआ, ये कि जैसा कि हमने आपको बताया है, एक प्रोजेक्ट था सखालिन 1, ये सखालिन 1 प्रोजेक्ट चल रहा था रूस में, जो जाहिर तौर पर तेल और गैस के लिए काम कर रही थी, और इसमें अमेरिका ने भी इन्वेस्टमेंट किया था, जापान ने भी किया था, भारत ने भी किया था और रूस ने भी किया था, मतलब 4 मुख्य देश थे, जिनमें से 30% की हिस्सेदारी थी एक्जोन मोबाइल की, जो एक अमेरिकन कंपनी थी, बाकी में जापान, भारत और रूस थे। भारत की हिस्सेदारी 20% की थी। अचानक से एक्जोन मोबाइल कहता है कि हम निकल जाएंगे। एक्जोन मोबाइल और रूस की कंपनी ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाया था जो इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती थी, लेकिन ये एक्जोन मोबाइल जैसे इन्होंने कहा कि हम छोड़कर स्टेक निकल जाएंगे, वैसे ही ये वेंचर टूट गया, जिसके बाद रूस ने इस पर कब्जा कर लिया और रूस ने कहा कि अब हम सेट करेंगे कि कौन हमारा पार्टनर रहेगा और कौन हमारा पार्टनर नहीं रहेगा। क्योंकि ये प्रोजेक्ट इतना फायदेमंद है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि एक क्वार्टर में 124.7 मिलियन टन का माल बेचा था ONGC ने, एकदम से इसे कहा जाता है पैसे निकालने वाली मशीन। अब यहाँ पर जब रूस नए कॉन्ट्रैक्ट फिर से बनाने की तरफ बढ़ा हुआ है, तब भारत और जापान दोनों ने कह दिया है कि हमारी हिस्सेदारी रहनी चाहिए, जो हम बने हुए थे वो बने रहने चाहिए, क्योंकि अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं चाइना इस मामले में घुसने की कोशिश ना करे। वैसे आपको क्या लगता है, भारत अपनी हिस्सेदारी नहीं छोड़ेगा और रूस हिस्सेदारी में बनाए रखेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।